आज प्रदेश के कोने कोने से फार्मेसिस्ट यहाँ पर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और आपके साथ प्रदेश की जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा पहुंचे इस प्रदेश को मैं इसलिए हो संगति दूर करो आपकी तरफ से शासन में प्रस्तुत अक्टूबर का पूरा करने का वचन लिया है और साथ ही इन्होंने ये कहा है कि हम शासन स्तर पर जो मांगे हैं उस पर भी हम पैरवी करेंगे। एक अभी आप चाहे तो इनकी भी फिर से बांट लीजिएगा, एक बड़ा मुद्दा था कि पूरे प्रदेश में इंटर्नशिप होती है उसके लिए पूरे प्रदेश से यहाँ पे पत्र मंगाए जाते थे और यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ डीजी साहब और इसको डीजी साहब ने कहा कि मैं पुरानी व्यवस्था इसको लागू करने के लिए आज इसको आदेश जारी कर दूंगा। अगर ये जारी करते हैं तो पूरे प्रदेश के फार्मासिस्टों का बहुत बड़ा धनादोहन रुकेगा, इसको मैं चाहूँगा कि आज ही इसकी घोषणा की जाए और आज ही ये पत्र जारी कर दिया जाए। इसके साथ ही और मुद्दे जो हमारी वेतन समिति का है उसमें महानिदेशक महोदय और स्थानांतरण का है, इन मुद्दों पर पदों के सृजन का मुद्दा है, ट्रामा सेंटर में अभी तक पद नहीं है, उप केंद्रों पर पदों के सृजन का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे माननीय मुख्यमंत्री से भी वार्ता हो चुकी है। तो अगर महानिदेशक महोदय सकारात्मक संस्कृतियाँ यहाँ से भेजेंगे तो निश्चित ही और ये साथ में उसकी पैरवी भी करेंगे तो मुझे लगता है कि ये मांगें पूरी होंगी। लेकिन ये भी है मैं आज भी इस मन से कहना चाहूँगा कि अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आंदोलन समाप्त नहीं होगा। टीएससी पे केवल फार्मेसी से काम करते मांग है आप लोग एक जो महानिदेशक है उसको उन्होंने कमेटी बना के उसको जल्दी से जल्दी जो शासन स्तर की है उनके लिए भी उसका परीक्षण करके हम शासन को देंगे जो भी मांगे हैं महोदय ने भी संघ के पदाधिकारियों को समय दिया है समझता भी इस तरह से वार्ता करेंगे मैं भी रहूँगा जो भी मांग है सर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर क्या नौबत आती है कि ये लोग पूरे प्रदेश से यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हुई, यही वो वजह रही कि ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अगर पहले से क्योंकि आंदोलन उनका पहले से चल रहा था, काफ़ी पहले से काली पट्टी बांध रहा था, अब अगर चीज़ें ये नहीं कर दी गई तो शायद ये नौबत नहीं होगा।